नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 15 मार्च। चलिए जानते हैं बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरों को। राजस्थान होमगार्ड ने निकाली रिक्तियां। राजस्थान होमगार्ड डिपार्टमेंट ने होमगार्ड पद के लिए 2500 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 6 मई तक www.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। गेट परीक्षा में एनआईटी पटना के आभाष राय ने लहराया अपना परचम। एनआईटी पटना के छात्र आभाष राय ने गेट में देश भर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पहला रैंकिंग प्राप्त किया है। आभाष मूल रूप से यूपी के बलिया जिले के नारायणपुर गांव के निवासी हैं। वो पटना में अपनी मां के साथ पढ़ाई के सिलसिले में रहते हैं। रिजल्ट के बाद आभाष ने बताया कि वो पिछले एक साल से लगातार तैयारी करते आ रहे हैं और आखिरकार उसे अब जाकर सफलता मिल गई। कोरोना की वजह से सीबीएसई की परीक्षा नहीं होगी स्थगित। कोरोना के तेजी से फैलते लक्षण को देखते हुए बिहार सरकार ने 31 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद परीक्षाओं को लेकर काफी सारे सवाल उठने लगे थे, जिस पर सफाई देते हुए सीबीएसई ने साफ कर दिया कि बिहार में बची हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं निर्धारित समय पर ही होगी। मुजफ्फरपुर के रमन देवी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मां दुर्गा को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 1941 में मां दुर्गा के बड़े भक्त एवं स्थानीय व्यापारी श्री बाबा बाबू ने करवाया था। यह मंदिर बहुत कम समय में ही जिले के प्रसिद्ध मंदिरों में शुमार हो गया था और अभी भी बना हुआ है। यह मंदिर अपनी सुंदर कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टी 31 मार्च तक टली। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी से तैयार रहने की अपील की है, ताकि किसी भी परिस्थिति का आसानी से सामना किया जा सके। इसी क्रम में कोरोना के भारत में बढ़ते असर को देखते हुए बिहार सरकार ने बिहार के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के कर्मचारियों की छुट्टी को 31 मार्च तक स्थगित करने का आदेश जारी किया है। बिहार को थोड़ी राहत, अब तक कोरोना के एक भी लक्षण की पुष्टि की खबर नहीं। भारत में 80 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आने के बाद आम नागरिक अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं, मगर कोरोना के देश भर में फैलते लक्षण के बीच बिहार के लिए थोड़ी राहत वाली खबर है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जांच के बावजूद अभी तक बिहार में एक भी कोरोना के पॉजिटिव लक्षण का पता नहीं चला है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कोरोना का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 15 मई से शुरू होगी बिहार में जनगणना। जनगणना की प्रक्रिया बिहार में 15 मई से शुरू होने वाली है, जिसमें लगभग 3 लाख से अधिक कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। प्रदेश में जनगणना को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, जनगणना को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी और जिले के नोडल पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। कपिल मुनि तिवारी का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के नैनीजोर गांव में हुआ था। उन्होंने 1966 में पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से व्याकरण और ध्वनि विज्ञान पर एक शोध प्रबंध के साथ स्नातक किया। तिवारी दक्षिण एशिया भाषाओं के विद्वान हैं। तिवारी की पहली पुस्तक पानिनी का पटना द्वारा 1984 में प्रकाशित किया गया था। एक और पुस्तक 1994 में जानकी प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। कपिल मुनि तिवारी को उनके कामों के लिए कई बार सम्मानित भी किया गया है। मार्च के अंत तक या अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में आ जाएगा इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट। बिहार बोर्ड से इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड ने हाल ही में इंटर और मैट्रिक परीक्षा से संबंधित अधिसूचना जारी करते हुए यह साफ किया है कि इन दोनों ही परीक्षाओं का रिजल्ट इस महीने के अंत में या फिर अप्रैल महीने के शुरुआत में जारी कर दिया जाएगा, जो कि सभी परीक्षार्थी ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकेंगे। पटना समेत कई जिलों में बारिश से आम जनजीवन के साथ साथ किसान परेशान। अभी कोरोना ने लोगों की परेशानी वैसे ही बढ़ा दी है, बची कुछ ही कसर अब बारिश पूरी कर रहा है। बीते शुक्रवार से ही हो रही बारिश ने लोगों का जीवन ही अस्त व्यस्त कर दिया है। किसान की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। बेमौसम बारिश होने के कारण मसूर, चना, सरसों, दलहनी और तेलहनी फसल पूरी तरह से खेतों में खराब हो गई है। स्मार्ट सिटी बनने की रेस में पटना पहुंचा 33वें स्थान पर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पटना लगातार फेल होता दिखाई दे रहा है। 1 से 10 के पायदान में तो पटना की जगह दूर की बात है। पटना तो अपने साल 2018 के 22 नंबर के रिकॉर्ड को भी कायम नहीं रख पाया है। शहरी विकास मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट में 100 शहरों में 33वें रैंक पर लुढ़क गया है। दरभंगा में एक व्यक्ति में कोरोना के लक्षण होने की आशंका। बिहार के दरभंगा में एक व्यक्ति में कोरोना के लक्षण का पता चलने से इलाके में अशांति फैल गई है। हालांकि आशंकित व्यक्ति को फिलहाल दरभंगा के एक बड़े अस्पताल में रखा गया है, जहां उनकी जांच की जा रही है। हालांकि अभी उनमें कोरोना के होने की पुष्टि नहीं की गई है, मगर फिर भी अभी पूरा अस्पताल देखभाल करने में लगा हुआ है।
यस बैंक के ग्राहकों के लिए केंद्र सरकार लेकर आई खुशखबरी। यस बैंक के सभी खाता धारकों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने हाल ही में RBI के यस बैंक को रिकंस्ट्रक्ट करवाने के फैसले को मंजूरी दे दी है, जिससे कि अब बीच मझधार में यस बैंक को निकालने का काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि देश के 4 प्रमुख निजी बैंकों ने यस बैंक में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार में सदस्य जोड़ने का काम किया शुरू। खुद को मुख्यमंत्री पद की दावेदार बताने वाली पुष्पम प्रिया ने अब अपने साथ सदस्य जोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है, जिसकी जानकारी पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी थी, जहां उन्होंने लिखा है कि ज्ञान की धरती नालंदा से अपने मेंबरशिप ड्राइव की शुरुआत कर रही हूं। जिसके बाद पुष्पम प्रिया ने नालंदा पहुंचकर कई लोगों को अपने पार्टी के टी-शर्ट्स भी बांटे। IGIMS में कोरोना के लिए की गई जरूरी व्यवस्था। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में सफाई व्यवस्था बनाए रखने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत IGIMS मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि IGIMS में कोरोना के लिए एक पूरा फ्लोर रखा गया है। फ्लोर के साथ साथ 2 आइसोलेटेड वार्ड भी बनाए गए हैं। कोरोना के कारण बिहार में पर्यटकों की संख्या हुई कम। कोरोना की वजह से पर्यटन को भी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की वजह से पर्यटकों के बिहार आने की संख्या में कमी दर्ज की गई है। नालंदा में इसका व्यापक असर साफ देखने को मिल सकता है। हर साल नालंदा राजगीर में पर्यटकों के आने वाली भारी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, पर्यटकों की संख्या में कमी आने की वजह से कारोबारियों को भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के कारण लोजपा और राजद ने राजनीति कार्यक्रम को किया स्थगित। भारत में कोरोना के अब तक 80 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत है। इसी क्रम में अब बिहार की राजनीति में भी कोरोना का असर देखने को मिलने लगा है, जिसके परिणाम स्वरूप लोजपा और राजद दोनों ही पार्टियों ने कोरोना के फैलते असर को देखते हुए आने वाले कुछ दिनों तक अपने सभी कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया है। पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने के बाद सियासी गलियारे में बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पेट्रोल के बढ़ते दाम पर भाजपा सरकार की चुटकी लेते हुए अपने ट्विटर हैंडल से प्रकाश जावड़ेकर की एक वीडियो को शेयर किया है, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर यह कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में 34 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। भाजपा ने 31 मार्च तक सभी सामूहिक आयोजन वाले कार्यक्रम को किया स्थगित। कोरोना के फैलने की गंभीरता को देखते हुए बिहार भाजपा ने भी सामूहिक आयोजन वाले कार्यक्रम को 31 मार्च तक स्थगित करने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, इस समय में भाजपा लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने में भी जुटी हुई है। सिर्फ भाजपा ही नहीं, बिहार की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने आने वाले 31 तारीख तक सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। कोरोना से बचाव के लिए एसी कोच में हटाए जाएंगे पर्दे। कोरोना के बढ़ते असर से लोगों को बचाकर रखने के लिए पूर्व मध्य रेल बोर्ड ने अब सख्त कदम उठाए हैं, जिसके तहत रेलवे विभाग ने अब बिहार से संचालित होने वाली सभी ट्रेनों के डिब्बों के एसी कोच में पर्दे को हटाने का आदेश जारी किया है। साथ ही यात्रा के दौरान ट्रेनों की सफाई व्यवस्था का भी खास ध्यान रखने का आदेश जारी किया गया है। कोरोना के कारण बिहार सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा की तारीख टली। कोरोना के कारण बिहार सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। खबरों की माने तो शिक्षा विभाग का यह फैसला कोरोना के बढ़ते लक्षण को देखते हुए लिया गया है, जिसकी जानकारी BPSC में अपने आधिकारिक वेबसाइट से खुद शेयर की है। हालांकि अभी इस परीक्षा के आयोजन की नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 14 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 41,210 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,210 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 48,300 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 74.79 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 67.37 रुपए प्रति लीटर था। चेतेश्वर पुजारा की टीम ने रणजी ट्रॉफी जीत रचा इतिहास। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब चेतेश्वर पुजारा की टीम ने यह खिताब अपने नाम दर्ज किया हो, जिसके तहत अब भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी को एक नया चैंपियन मिल गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, रणजी ट्रॉफी के इस आखिरी मुकाबले में सौराष्ट्र और बंगाल की टीम आमने सामने थी, जहां पर सौराष्ट्र की टीम ने शानदार पारी खेलते हुए रणजी के इतिहास में पहली बार यह ट्रॉफी अपने नाम दर्ज कर ली। Amazon में भी आया वॉइस रिकॉर्डिंग फीचर। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon इंडिया ने अपने यूजर्स को बेहतर शॉपिंग का अनुभव देने के लिए Alexa सपोर्ट के साथ वॉइस कमांड फीचर जारी कर दिया है। इस वॉइस कमांड फीचर से अब सभी यूजर्स केवल बोलकर ही शॉपिंग का आनंद ले सकेंगे। हालांकि अभी यह फीचर केवल एंड्रॉइड फोन यूजर्स के लिए रोल किया गया है, जल्द ही कंपनी इसे iOS वर्जन के लिए भी रोल कर देगी।
शासन ने असुद्दीन ओवैसी की जनसभा को नहीं दी मंजूरी। कोरोना से लोगों को बचाने की जुगत में जुटी राज्य सरकार ने सभी जनसभाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने हाल ही में असुद्दीन ओवैसी की कटिहार जिले में होने वाली जनसभा को स्थगित करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद ओवैसी की जनसभा कटिहार में नहीं हो पाई। वहीं आपको बता दें, राजगीर में भी शनिवार से राजद के प्रशिक्षण शिविर को भी स्थगित कर दिया गया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनमें है आयुष कुमार, विकी कुमार, बबलू यादव, चंद्रलाल पासवान, जय किशोर पासवान, कुमार आयुष, योगेश कुमार पटेल, विकास कुमार, सौरभ कुमार, ब्रजकिशोर कुमार, रूपक कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बेमौसम बरसात से आपके अनुसार फसलों पर कितना बुरा असर देखने को मिलेगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।